नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। टीकमगढ़ जिले में बीते कुछ दिनों से शहर के बीचों बीच आए दिन मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी, जिसके टीकमगढ़ एसपी प्रशांत खरी के निर्देशन में कोतवाली टीआई सुनील शर्मा के द्वारा एक टीम गठित कर बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल के साथ 5 आरोपियों को देर रात पकड़ा, जिसके बाद उक्त आरोपियों के कब्जे से टीकमगढ़ में एवं छतरपुर जिले में की गई मोटरसाइकिल जब्त, जिसमें आरोपियों मेहंदीपेंद्र राजा गुड्डू राजा थाना महाराजपुर जिला छतरपुर से 3 आरोपियों को नारगुड़ा के जंगल से पकड़ा, बाबूलाल अंकित राजा रविंद्र राजा को पकड़ा गया। पकड़ने वाली टीम में उपनिरीक्षक अनफासुल हसन, सह उपनिरीक्षक डीपी गौतम, आरक्षक कपिल शर्मा, आरक्षक रविंद्र निरंजन, आरक्षक आशीष भट्ट, आरक्षक हरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पकड़ा गया। ये 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 7 बाइक बरामद की गई है, अन्य गाड़ियों को भी बरामद होने की संभावना है। इस टीम में सब इंस्पेक्टर हसन खां, आरक्षक आशीष भट्ट, आरक्षक हरेंद्र, एएसआई डीपी गौतम, आरक्षक हरेंद्र तोमर, आरक्षक कपिल शर्मा, आरक्षक अरविंद निरंजन। हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित की गई थी और ये टीम ने ये वर्क किया है। आगे भी अभियान जारी रहेगा और गाड़ियों का भी खुलासा हो सकता है, अपराधियों से पूछताछ जारी है। खबर समय जगत के लिए टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।